इरफान खान का इस बुधवार यानी कि 29 अप्रैल को निधन हो गया। मंगलवार सुबह जब वे अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे तब उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इरफान के कोलन इन्फेक्शन की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तकरीबन एक साल तक इरफान खान न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के लिए लंदन में रहे थे। साल 2018 में इरफान खान को अपने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से ग्रसित होने की बात पता लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने फैंस को खुद ट्वीट करके बताया था। इरफान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था, ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी ज़िंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। यू वर पार्ट ऑफ चंद्रकांता। अरे यार, एक्चुअली दोज वर डेज यार। वो सीरीज आप कर रहे थे बिकॉज आपको चलाना होता है खर्चा एंड यू वांट टू यू नो बी इन द गेम, दैट्स व्हाई। उन दिनों सीरीज का चक्कर ऐसा होता था कि आपने काम कर दिया, एपिसोड आ गया, सब हो गया, पैसे नहीं मिलते थे। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को जाके आपको लिटरली बोलना पड़ता था कि मेरे घर का बिल नहीं भरा है, यू नो बच्चे भूखे मर रहे हैं, उस तरह का बहाना जब तक नहीं बना तो पैसे नहीं मिलते थे। इरफान खान के निधन के बारे में उनके मित्र सुजीत सरकार ने ट्वीट करके बताया। उन्होंने 11:30 बजे ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, वी शैल मीट अगेन, कॉन्डोलेंसेस टू सतापा एंड बबील, यू टू फॉट, सतापा यू गेव एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस फाइट, पीस एंड ओम शांति, इरफान खान सैल्यूट। इरफान खान की मृत्यु पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और इसकी भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा। उसी दौरान किसी ने मुझे चंद्रकांता में मतलब डायरेक्टर से मिलवाया, तो उन्होंने एक दो एपिसोड्स मैंने किए, फिर मुझे पता चला कि यार ये चार पांच लाइनें मिलती जा रही हैं, इसके बाद मतलब कुछ बढ़ेगा रोल, कुछ कुछ मतलब है, आगे कैसा रोल है वो तो बताते नहीं है, कितना बड़ा रोल है कैसा है, बस आप करते रहिए। तो मैंने एक दिन गलती से डायरेक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा यार ये ऐसा ही रहेगा कि आगे जाके इसका कुछ है बद्रीनाथ का? तो वो अपना पान वान खाता था, रुमाल बांध के अपना डायरेक्टर से मेरी तरफ देखा ऐसा, वो पूरा यूनिट को बुलाया उसने, उसे पूछा यार ये धर्मेंद्र है क्या, ये तू धर्मेंद्र है क्या? एंड दैट डे आई कुडंट, मैं क्या बोलूँ उसको यार, मैंने कहा रोल बताओ यार, धर्मेंद्र है क्या तू, धर्मेंद्र है क्या तू, ये रोल पता करना है अपना। दैट वॉज द डे। उसके बाद बट देन द रोल गॉट पॉपुलर एंड देन मैं बोर हो गया उससे, मैंने कहा मुझे अब फिर देन आई यू नो वी हैड डिफरेंट टर्म्स, देन मैं उसको गाली दे के बात करता, मैंने कहा भोसड़ी का मुझे मार दे नहीं यार, उसने मार दिया। फिर कुछ दिनों बाद वापस फ़ोन आया मेरे पास, 3-4 महीने बाद, बोला आ जा यार आ जा। मैंने क्यों, अब तो मर गया ना मैं। बोला नहीं नहीं एक और निकाल लेंगे ऐसा। क्या रीजन था? तो बद्रीनाथ से अब उसका आप एक और तैयार करते हैं, सोमनाथ, बोलो उसका भाई आया। और वो दोनों ऐसे लगते थे कि एक का तो बाल बिल्कुल वो वेस्ट इंडीज जैसे लोग होते हैं ना, घुंघरालू बाल उस तरह का रखा हुआ था, और दूसरा वाला इन्होंने ब्लॉन्ड कर दिया था। मैंने कहा ये भाई किस एंगल से? इरफान खान जैसे एक्टर कभी कभी ही जन्म लेते हैं और अपने अभिनय से अपने उम्दा कैरेक्टर की छाप छोड़ जाते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। रेस्ट इन पीस इरफान खान। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।